क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन का स्टैंड है जो क्यूबॉइड की शेप से है और फोर कॉनिकल डिप्रेशन है, फोर क्या उसमें गड्ढे बने हुए, डिप्रेशन का मीन्स गड्ढे, कॉनिकल का मीन्स कोन टाइप से गड्ढे बने हुए। टू होल्ड पेन, पेन को होल्ड करने के लिए, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है 15, 10 और 3.5। तो यहाँ पे लिखो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ कितनी है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फिर आगे देखो, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, डिप्रेशन का मीन होता है ये गड्ढे बने हुए ना उसके, ठीक है, तो रेडियस हमारे पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ इज 1.4। डेप्थ का मीन्स क्या होता है, ये जो गहराई होती है ना वो हाइट का ही काम करती है। तो देखो इसको तो अपन ने स्मॉल एच ले ली, इसको कैपिटल एच ले लो तो वो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की ये दोनों किसकी है, कोन की रेडियस और कोन की हाइट। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो यहाँ पे लिखिए देखो, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, देखो पूरे क्यूबॉइड में से क्या माइनस कर देंगे, ये फोर कोन माइनस कर देंगे तो पूरे क्या आ जाएगा, वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, लकड़ी का वॉल्यूम, पूरी लकड़ी में से क्या कर देंगे, पूरी लकड़ी किस टाइप की है, क्यूबॉइड टाइप की है, तो क्यूबॉइड में से चार क्या कोन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² और h लेना है हमें, ये देखो हमने ये कैपिटल में लेट किया है, यहाँ पे देखो l कितनी है 15, b कितनी है 10 और h कितनी है 3.5 माइनस ये हो जाएगा 4/3 22/7 r स्क्वायर कितनी है 0.5 × h कितनी है 1.4। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 50 × 35, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस, फिर देखो ये पॉइंट हटाओ, इसके नीचे 10 लगाओ, पॉइंट हटाया तो ये 7 से जाएगा 2 टाइम, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, फिर इस 5 से ये चला जाएगा 0.1 टाइम। ठीक है, इधर देखो क्या क्या बचा, 4/3 × 22 × 0.1 × 0.5 बचा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 552 और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.46, इसका आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हमेशा किस में लिखना है, क्यूब में लिखना है। ठीक है, डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है।